Thank you. Danish ji, you have two people from your party. Ritesh is also there. No, you, I think Danish ji and Ritesh's name is also there. Yeah. So you have 5 minutes. I think I am on the only one speaker from my party. Let the leader decide. Then we'll go to Ritesh. I am the only one. Yep. You have 5 minutes. Please go ahead. Okay. Thank you. सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया फाइनेंस बिल पर, बहुत बहुत शुक्रिया। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दो बहुत बड़े वादे किए थे। एक तो रात 8 बजे 2016 में 8 नवंबर को, जब रात में उन्होंने ऐलान किया कि नोटबंदी का ऐलान किया, डिमोनेटाइजेशन का, और कहा कि ये हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, जो टेररिज्म में पैसा जा रहा है उसको रोकेंगे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा आता है वो रुकेगा। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, जो 16 लाख करोड़ रुपया कैश में सर्कुलेट होता था, मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि आरबीआई बहुत दिनों तक जो है आंकड़ा नहीं दे पाई कि कैश कितना जमा हुआ है। और पता यह चला कि जो नकली नोट था वो भी हमारे भारत सरकार के बैंकों में जमा कर दिया है ऐसे ब्लैक मार्केटियर्स ने, जो काला धन रखे हुए थे। 30,000 करोड़ से ज्यादा पैसा नकली भी बैंकों में जमा हो गया। उसकी अकाउंटेबिलिटी मुझे पता नहीं कि कितने बैंक के जो मैनेजर्स थे, जो मिले जुले थे, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है उसमें। और आज लगभग 2 गुना कैश जो है वो मार्केट में सर्कुलेटेड है। करीब 29 लाख करोड़ रुपया जो है वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। मैं और इसकी वानगी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के दौरान देखने को मिली, जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट के यहां, इतर व्यापारी के यहां पैसा पकड़ा गया और कई दिन लगे उसको काउंट होने में कि कितने 100 करोड़ रुपए थे वो। वो शुरू शुरू में आईटी सेल बहुत एक्टिव रहता है भारतीय जनता पार्टी का, तो उन्होंने शुरू शुरू में कर दिया, अरे ये इतर व्यापारी तो विपक्ष का है। लेकिन पता ये चला वो जो व्यापारी था उसके कनेक्शन जो है सत्ता पक्ष के लोगों से जुड़े हुए थे। उसका कोई डिनायल नहीं आया, आज सत्ता पक्ष के लोगों का के घरों में इतना पैसा पकड़ा गया, माननीय सभापति जी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि इस सरकार ने ये तय किया था कि किसानों की आमदनी 2022 में 2 गुना होगी। सभापति महोदय, हम 2022 में खड़े हैं। मैं स्वयं किसान हूं और देश का किसान किस तरीके से दिल्ली के चारों तरफ कितने दिन तक बैठा, सब जानते हैं कि किसानों की आज क्या दुर्दशा है। किसानों की आमदनी दोगुना तो छोड़िए, जो उनकी लागत है उसके पे और ज्यादा पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। मैं आपसे के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि उज्ज्वला योजना का बहुत ढंडोरा पीटा गया, और एक अब देखिए कितना अच्छी तरीके से गोल पोस्ट चेंज होते हैं इस सरकार के। आपने जो है सिलेंडर दे दिया, आपने रेगुलेटर दे दिया, लेकिन गैस कहां से आएगी? आज सत्ता पक्ष की माननीय एक सांसद, वन मोर मिनट प्लीज कंक्लूड सर, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ सर। आपने सत्ता पक्ष की एक सांसद कह रही थी कि बायोगैस, उस सिलेंडर में बायोगैस ले जाइए, गोबर गैस का प्लांट लगाइए और उस सिलेंडर के थ्रू जो है, हाँ, सत्ता पक्ष की सांसद ने यहाँ नया एक आविष्कार यहाँ दिया। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय यही कहना चाहता हूं कि सरकार हमेशा लगातार अपने गोल पोस्ट चेंज कर रही है। अभी बहुत एक डिस्कशन चल रहा है देश के अंदर कि क्रिप्टो करेंसी, भाई सरकार ये तय करे कि
कि क्या क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करना है या नहीं करना है। भाई एक एक चीज तय कर ली जाए ना कि क्यों ऐसे अलाउ किया जा रहा है। सभापति महोदय मैं दो तीन कंक्लूड कीजिए आप, टुडे देयर इज नो टाइम, आपका लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी प्रायोरिटीज तय करे। दूसरी चीज सर, आज देख रहे हैं हम किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर ऑफ फियर है, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जो टैक्स एजेंसीज हैं, वो सिंगल आउट करके जो विपक्ष के लोग हैं या जो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो सरकार की लाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं भाई, मैं तो अपने 15 लाख का हिसाब अब नहीं ले रहा, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि हर अगर ब्लैक मनी लाएंगे और हर किसी को 15 लाख देंगे तो कम से कम मैंने तो ये उम्मीद छोड़ दी। सौमित्रा कांत जी, सर दो मिनट में अपनी बात सर मेरी पार्टी का टाइम ठीक है, कंक्लूड प्लीज। सर मेरी पार्टी का टाइम है, इतना प्लीज कंक्लूड। मेरी पार्टी का टाइम है, पार्टी ने लिख के दिया है। 5 minutes your party time is over, please conclude. Sir, my party time is not five minutes. Sir, please. Please. Sir, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो सिंगल आउट करके टारगेट किया जा रहा है, आपने कहा था कि स्विस बैंक से ब्लैक मनी लेके आएंगे, मैं अभी पिछले दिनों ये अखबार में छपा है किस तरीके से एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने फैमिली का ट्रस्ट स्विस के अंदर था, वहां पर बाकायदे सरकार ने वहां ना भागे क्यों नहीं। मेरा यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं